हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। आपका अपने ही चैनल में स्वागत है, जॉब ऑफ द डे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी न्यू वीडियो अब हम डालें तो ताकि आपके पास उनमें नोटिफिकेशन पहुँच जाए, तो आप उसको प्रॉपर देख पाएँ और नई से नई जानकारी रोज़ाना आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो सिंगापुर के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ सिंगापुर की मैंने एक पोस्ट देखी तो मैंने सोचा कि इसी पे थोड़ी वीडियो बना दी जाए और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। तो आज हमारे पास में एक पोस्ट आई है तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। इस वीडियो को पूरा देखते रहें ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल जाए और आपको क्या करना, कैसे करना, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड, तो इस वीडियो के साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें अगर आपको अच्छा लगे तो। सिंगापुर के लिए हेल्पर की ज़रूरत है, जनरल हेल्पर की ज़रूरत है, फूड पैकेजिंग की कंपनी में, ठीक है ना, उसकी ज़रूरत है। तो इसमें कम से कम 25 बंदे चाहिएंगे। लेकिन इसमें अगर हम सैलरी की बात करें तो इसमें जो सैलरी मिलेगी आपको, सिंगापुरी जो डॉलर होता है उसके दौरान आपको 1200 मिलेगी। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें आपको 1200 सैलरी मिलेगी प्लस 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। इसमें चाहे आपका ECR हो या ECNR हो, कोई भी पासपोर्ट हो, सब चलेगा। लेकिन इसमें अप्लाई करने का कुछ ही समय है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो आपको ECR ECNR दोनों पासपोर्ट चलेंगे, उसके बाद में आप इसमें अप्लाई करते हैं। चाहे आपने एजुकेशन ली है, एजुकेशन नहीं ली है, वो भी आपके पास में एक्सपीरियंस है या नहीं है वो भी कोई नहीं। आप सभी तरह का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है एक्सपीरियंस तो आपको कुछ कम सैलरी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसमें अप्लाई किस तरह से करना होगा। अगर आपको अप्लाई करना है तो ये जो इसमें काफ़ी बंदों की ज़रूरत है। अब इसमें 1200 कैनेडियन डॉलर, सॉरी, आपको 1200 सिंगापुरी डॉलर मिलेंगे। अब 1200 डॉलर का आप खुद लगा सकते हैं कि सिंगापुरी डॉलर का क्या रेट है, आपको वो मिलेंगे। और ये बिल्कुल फ्री रिक्वायरमेंट है, इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी है सिंगापुरी, आपको दूसरी मिलेगी आपको हेल्पर की। ये भी हेल्पर की जॉब है, ये मैकेनिकल हेल्पर की जॉब है। इसमें आपको ड्यूटी जो करनी पड़ेगी 8 घंटे को करनी पड़ेगी। आप ड्यूटी 8 घंटे करेंगे और उसके बाद में प्लस ओवर टाइम है। अब इसमें कंपनी आपको दोनों में क्या क्या चीज़ और दे रही है मैं बता देता हूँ आपको। आपको इसमें फूड कंपनी खुद दे रही है और आपको रहने के लिए रूम वगैरह, ट्रांसपोर्ट एंड अकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें आपको देगी। मेडिकल भी आपका खुद कराएगी कंपनी, सारा कुछ खर्चा खुद उड़ रही है। सिर्फ आपको इसमें कराना क्या होगा वो चीज़ मैं आपको बता दूँ। अगर आपको अप्लाई करना तो मैं बता दूँ इस तरह से। अब बहुत ध्यान से सुनना आपको इस वीडियो में, इस तरह से बहुत सारी पोस्ट है, आप लोगों के पास भी आती होंगी कि ये चीज़ बिल्कुल फ्री है, वो चीज़ बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ जमा नहीं करना। ये मेरे पास में रिक्वायरमेंट आई थी तो मैंने देखा इसमें, तो इसमें जिस तरह से इसमें चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे, इस तरह से कहीं भी कोई भी किसी भी तरह से कंपनी इस तरह से नहीं निकालती है वैकेंसी। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे कंसल्टेंटी इस तरह से फ्रॉड होती हैं, जो क्या पर्सन को इस तरह से एडवांस में पेमेंट दे लेती हैं कि भाई 15,000 दे दो, 20,000 दे दो, 30,000 दे दो, इस तरह से। मेरे पास में ये आई थी रिक्वायरमेंट, इसमें एडवांस में मांगा है तो मैंने बिल्कुल ही मना कर दिया कि इस तरह से कोई भी नहीं होता, इस तरह से कोई भी वैकेंसी नहीं निकलती है। तो आपके पास में बहुत तरह की पोस्टें वगैरह आती होंगी कि सिंगापुरी के लिए इस तरह से इतने पर्सन चाहिए, तो आप भी इनसे अलर्ट रहें। और अगर इस तरह की आपके पास में कोई भी चीज़ आती है तो समझ लेना ये बिल्कुल फ्रॉड है, क्योंकि वैकेंसी जो निकलती है इस तरह से कोई भी वैकेंसी नहीं निकलती है कि डायरेक्टली आपको ले लिया जाए। अगर आपको डायरेक्ट लिया जाएगा तो उसमें बहुत सारी कंडीशन होती हैं। अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले लिया तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। अगर आपके पास में कोई इस तरह से पोस्ट आती है या आपसे कोई कॉल करता है कि भाई आपको सिंगापुर में आपने अप्लाई किया था, आपका नंबर आ गया, तो इस तरह से बिल्कुल आपका नंबर नहीं आया, इस तरह से बिल्कुल अलर्ट रहिए। अगर आपको इस तरह से, मैंने आपको इसलिए पूरा एक्सप्लेन किया ताकि जो भी चीज़ इसमें इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँ प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आए। आपको जॉब के बारे में पूरा बताया जाएगा और उसके बारे में बताने के बाद में आपसे एडवांस में पैसे मांगे जाएंगे, तो वो बिल्कुल भी फ्रॉड है, आपके इस तरह से कोई भी जॉब नहीं होगी। तो इस तरह से बिल्कुल अलर्ट रहें, जिस तरह मेरा बताने का मकसद यही था। अगर इस तरह से कोई भी चीज़ आती है तो बिल्कुल वो फ्रॉड है, आपसे पैसे भापने का जरिया है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इन चीज़ों से बच पाएँ। अगर इस तरह के आपको अप्लाई कैसे करना और किस तरह से वो सारी चीज़ें जाननी है तो
इस वीडियो में कमेंट में बताइए, हम वो चीज़ भी आपको ज़रूर बताएंगे।